मिर्जापुर नाम का एक गांव था और उस गांव के पास एक काफी बड़ा जंगल और जंगल को पार करने के बाद एक जादुई दुनिया शुरू होती थी। उस जादुई दुनिया में खूब सारी परियां, खूब सारे नाग और नागिन रहती थी। इस पूरी जादुई दुनिया को एक नागिन चलाती थी जिसके पास अपनी जादुई मणि थी, पर दूसरी तरफ एक नाग था जो इस जादुई दुनिया को लूटना चाहता था। वो इस जादुई दुनिया में आतंक फैलाता था और दूसरे नागों को मारकर उनकी शक्तियां हड़पने लगा था। जब नागिन को इस बात का पता लगा तो नागिन को खूब गुस्सा आया। मेरे लोक में मेरे दूसरे नागों की शक्तियां हड़पता है, मैं उस कालिया नाग को छोड़ूंगी नहीं। ऐसे कहते हुए उस नागिन ने उस कालिया नाग को पकड़ लिया और अपनी शक्तियों से उसके साथ में युद्ध किया और उसे हरा दिया। और साथ ही सभी नाग नागिन और परियों ने मिलकर उस कालिया नाग को जंगल से बाहर फेंक दिया और वहां के जादुई कवच को एक्टिवेट कर दिया। अब वो नाग जब वापस जादुई जंगल में घुसने की कोशिश करने लगा तो उस जादुई कवच से दूर जाकर गिरा और वो उस कवच के अंदर नहीं घुस सकता था। अब जादुई नाग दुखी होकर पृथ्वी लोक पर मिर्जापुर गांव की तरफ जाने लगा। तभी उसे रास्ते में एक साधु मिले। तो तुम जादुई लोक के नाग हो? हाँ बाबा, मैं जादुई लोक का नाग हूँ। तुम्हें भी उस धूर्त नागिन ने बाहर निकाल दिया ना? हाँ बाबा, आपको कैसे पता कि मुझे उसने बाहर निकाल दिया? अरे पागल, उसने मुझे भी बाहर निकाल दिया था, पर अब मैंने यहाँ पर इस पृथ्वी लोक में आकर खूब सारी शक्तियाँ इकट्ठी कर ली हैं। तो आप ही बताइए, अब हम इसका क्या कर सकते हैं? तुम चिंता ही मत करो, अब देखो मेरी शक्तियाँ। और ऐसा कहते हुए उस बाबा ने अपनी शक्ति से एक जादुई बोतल बना दी और नाग को देते हुए कहा, ये लो, इसमें 100 इंसानों की आत्माएं कैद कर लो। उसके बाद में तुम उस नागिन को हरा दोगे और जादुई लोक तुम्हारा होगा। हाँ बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा और इसके बाद में आप और मैं जादुई लोक पर राज करेंगे। ऐसा कहते हुए वो नाग जंगल के पास में एक कुएं में रहने लगा। अब उसने अपना असली भयंकर रूप ले लिया था। वो एक बड़े से नाग में बदल गया था। अब उसने अपनी शक्तियों से उस कुएं को ऐसा बना लिया था कि जब भी कोई जंगल के पास से जाता तो वो उस कुएं की तरफ खींचा चला आता, और जैसे ही वो उस कुएं के पास आता तो वो कालिया नाग उस इंसान के शरीर को तो कुएं में डाल देता और उसकी आत्मा को अपनी बोतल में कैद कर लेता था। अब वो सभी गांव वालों के साथ ऐसा करने लगा था और जल्दी से जल्दी अपनी उस बोतल को आत्माओं से भरना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ गांव में एक नितिन नाम का लड़का था। उसे बाइक चलाने का काफी शौक था। वो एक नई बाइक लेकर आया था जिसे लेकर वो इधर उधर खूब स्पीड में घूमता रहता था। एक दिन नितिन गांव से बाहर जा रहा था, तभी उसकी बाइक उसी जादुई नागिन से टकरा गई और वो खूब दूर जाकर गिरा और बुरी तरीके से घायल हो गया। मर गया, मर गया। ऐसे कहते हुए नितिन बुरी तरीके से कराह रहा था। तभी जादुई नागिन ने उसे देखा और सोचा, ये मुझसे क्या हो गया? एक इंसान को मेरी वजह से इतनी चोट लग गई, मैंने रास्ते को देख कर क्यों नहीं पार किया? अब तो ये ऐसे तो मर जाएगा। अब मुझे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना ही होगा इस इंसान पर। ऐसा कहते हुए उस नागिन ने
अपनी शक्ति से नितिन को बिल्कुल ठीक कर दिया। अब नितिन बिल्कुल ठीक हो गया, पर ठीक होने के बाद भी नितिन रो रहा था। अब मैं क्या करूंगा, मेरी बाइक टूट गई, अब मैं क्या करूंगा? तुम कौन हो, तुमने मेरी बाइक तोड़ दी। ऐसे कहते हुए नितिन बहुत परेशान हो रहा था। तभी नागिन को उस पर तरस आ गया और नागिन ने अपनी शक्ति से उस बाइक को बिल्कुल टैंक बाइक में बदल दिया। अब उसने नितिन को कहा, अरे तुम चिंता मत करो और अब रोना भी बंद कर दो। देखो मैंने अपनी शक्ति से तुम्हारी बाइक को एक जादुई बाइक में बदल दिया है। अब तुम जब चाहो इसे इस प्रकार से धावक बाइक बना सकते हो और अपनी बाइक को कितनी भी तेज दौड़ा सकते हो। अब तुम्हारी बाइक किसी से भी हारेगी नहीं और तुम्हारी जान भी बचाएगी हर दुश्मन से। हाँ ये तो देखो मेरी बाइक बहुत सही हो गई। थैंक यू नागिन जी, जो तुमने मेरी बाइक को ठीक कर दिया। अब नितिन ज्यादा तेज बाइक नहीं भगाता था, अब उसकी जादुई बाइक उसे बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन की बात है कि नितिन गांव से बाहर जा रहा था अपने घर के लिए माचिस लेने। वो जैसे ही शहर से माचिस लेकर वापस आया तो उसे उसी कुएं ने अपनी तरफ खींच लिया और उस कुएं में से और वो बोला, अब तुम मेरी आखिरी आत्मा हो। अगर तुम भी मेरी बोतल में कैद हो गए तो मैं उस नागिन को मार डालूंगा। तुम किस नागिन की बात कर रहे हो और तुम किसे मारना चाहते हो? उस जादुई जंगल में मेरी दुश्मन वो नागिन रहती है। अब मैं तुम्हारी आत्मा अपनी बोतल में कैद करके उस नागिन को मार डालूंगा। अच्छा तो ये उसी नागिन को मारना चाहता है जिस नागिन ने मुझे ये जादुई बाइक दी है। अब मुझे इस कालिया नाग को सबक सिखाना ही होगा। तभी नितिन ने अपनी बाइक को जादुई बाइक में बदल लिया और अब उसकी बाइक बिल्कुल टैंक की तरह हो गई जो खूब सारी गोलियां छोड़ने लगी। अब उस नाग को बचना मुश्किल हो गया। अब नाग में और उस जादुई बाइक में दोनों में जंग छिड़ गई। दोनों एक दूसरे पर अपनी शक्तियों से प्रहार कर रहे थे। तभी नितिन को याद आया कि उसके पास माचिस है। नितिन ने उस नागिन को याद करते हुए उस माचिस को एक बड़ी माचिस में बदल दिया और उस नाग के ऊपर फेंक दिया और तभी बाइक ने उस माचिस पर आग लगा दी और अब नाग जलने लगा और जलकर नाग तभी वहीं पर मर गया। नाग के मरते ही उसकी बोतल भी फूट गई और उस बोतल की सारी आत्माएं वापस उन इंसानों के शरीरों में चली गई जिनसे उस नाग ने उन आत्माओं को निकाला था। और गांव के सारे आदमी जो नाग की वजह से उस कुएं में पड़े थे वो सारे उस कुएं से निकल गए और जिंदा हो गए।